एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, इन पे बेस्ड काफी एग्जांपल्स भी हमने लिए हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने फाइंड आउट करना सीखा है, लास्ट वीडियो आप देख सकते हो, और आज की वीडियो में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो है वो सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। तो ऐसे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रखते हैं, वो जीरो ही गिवन है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाते हैं। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे हम बनाते हैं, डायरेक्टली अगर हम लिखें तो जितनी बार डेरिवेटिव होगा उतनी एम की पावर आ जाएगी, माइनस टू कोफिशियंट एज इट इज एम प्लस जो कोफिशियंट है वो एज इट इज और इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से m की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या आएगी, m माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो। तो m की वैल्यूज हमें क्या मिल रही है, वन एंड वन। तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं कि रियल एंड इक्वल रूट हमें मिल रहे हैं। तो उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा रियल और इक्वल रूट्स के लिए, कि सेकेंड हमने पढ़ा था, तो क्या फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, c1 वन प्लस सी टू, लेकिन ये कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट a एंड b। तो a और b के टर्म्स में हमें लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी इंटू एक्स और e रेज टू पावर वन इंटू एक्स, तो e रेज टू पावर x। तो जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्यूशन क्या आ रहा है, a e रेज टू पावर x प्लस बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स। तो जो सोल्यूशन है वो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सिमिलर ही क्वेश्चन है ये हमारा, यहाँ पे जो वाई है उसकी जगह पे हमने क्या ले रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो उस केस में जो सोल्यूशन होगा हमारा, इसने क्या कहा है कि जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है ऑप्शन में वो सी वन और सी टू है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। तो इक्वेशन हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में क्या होती है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स, जहां पे जो p और q हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और जो r ऑफ x है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और वो फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑन आर होता है, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड आउट करते हैं वो हम आर ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रख के करते हैं, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो डिपेंड करता है आर पे। तो जो लास्ट वीडियो में हमने लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी उसका जो सोल्यूशन था वो क्या था, वाई इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि उस केस में जो r ऑफ x था वो क्या था, जीरो था, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम नहीं निकाल रहे थे, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो था वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन था। अब आज की वीडियो में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने से पहले हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि अगर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको हम डी से लिखते हैं, किसकी जगह पे लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स को हम डी से लिखते हैं, डी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, और वन अपॉन डी की अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसको अगर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स, और ये क्या है, हमारा फंक्शन है डिफरेंशियल ऑपरेटर का इनटू में वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो
पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स हमारे होते हैं। उसमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल जनरली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे वन अपॉन फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर इनटू जो भी हमारा होगा आर ऑफ एक्स, ऐसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखते हैं। तो उसमें रूल जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है, वो डिपेंड कर रहा है क्योंकि आर ऑफ एक्स पे, तो आर ऑफ एक्स की किस फॉर्म के लिए जो रूल है हमारा वो क्या होगा वो हम देखेंगे। अगर हम जनरली लेके चले कि जो एफ ऑफ डी है हमारा उसकी वैल्यू कितनी है डी, तो उस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ ऑफ डी की वैल्यू पुट करेंगे वन अपॉन डी इंटू में आर आर ऑफ एक्स, और इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ आर ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे निकाल लेंगे। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है कि अगर आर ऑफ एक्स है हमारा वो क्या है, ई रेज टू पावर ए एक्स फॉर्म का है, अगर वो इस फॉर्म का है तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लिखेंगे, लिखते कैसे हैं हम, वन अपॉन एफ ऑफ डी फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर इंटू आर ऑफ एक्स क्या है ई रेज टू पावर ए एक्स। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा x के अलावा यहाँ पे कोफिशियंट होगा a उसको हम d की जगह पे पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन f ऑफ a इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, और इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो f ऑफ a है हमारा वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर f ऑफ a जीरो के इक्वल आ गया तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इफ f ऑफ a जो है हमारा वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ डैश डी हम निकालेंगे और डी की जगह पे हम क्या रखेंगे ए रखेंगे और एक्स हम आगे लेके आएंगे एक्स इंटू में वन अपॉन एफ डैश ए इंटू में आर ऑफ एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि एफ डैश ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, अगर वो भी हमारा जीरो के इक्वल आ रहा है तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे इनटू वन अपॉन एफ डबल डेरिवेटिव निकालेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर का और उसकी जगह पे डी की जगह पे हम क्या रखेंगे ए रखेंगे इनटू में जो आर ऑफ एक्स फंक्शन है ई रेज टू पावर ए एक्स, और इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अगर ये भी जीरो के इक्वल आता है तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा इसका ट्रिपल डैश हो जाएगा और ए हम रखेंगे और ई रेज टू पावर ए एक्स, ऐसे जब तक चलता रहेगा जब तक ये जो एफ का डेरिवेटिव है ए रखने पे नॉन जीरो वैल्यू नहीं देता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इस पे। तो ये एक इक्वेशन हमें गिवन है और इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन को अगर आप देखो तो हमें सेकंड ऑर्डर की दिख रही है, कोफिशियंट जो है वो हमारे क्या है कॉन्स्टेंट है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर वन है और उसके जो डेरिवेटिव हैं उनकी पावर कितनी है वन है, तो जो इक्वेशन है हमारी वो इस फॉर्म की इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना सीखा है हमने लास्ट वीडियो में, तो हम कैसे लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं, इससे कैसे हम लिखेंगे, जितनी बार डेरिवेटिव होगा उतनी m की पावर, कोफिशियंट जो है वो एज इट इज m प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से m की वैल्यूज हम निकालेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करके, वो क्या आएंगी m इज इक्वल टू टू एंड m2 इज इक्वल टू वन, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इस इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है x, तो c1 e रेज टू पावर 2x प्लस c2 e रेज टू पावर x, ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो यहाँ पे जो r ऑफ x है हमारा वो किस फॉर्म का है, e रेज टू पावर ax फॉर्म का है, जहाँ पे जो a है वो कितना है 3, तो रूल फर्स्ट हमने देखा है कि जब r ऑफ x है वो e रेज टू पावर ax फॉर्म का हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ d हम लिखेंगे और डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में इस इक्वेशन को हम लिखें तो क्या लिखेंगे, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू में r ऑफ x, और r ऑफ x क्या है e रेज टू पावर 3x। अब हम क्या करते हैं, d को हम रिप्लेस करते हैं जो यहाँ पे a की वैल्यू होती है, किससे 3 से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आएगा 1 अपॉन 3 स्क्वायर 9 माइनस
थ्री इंटू थ्री क्या होगा, नाइन प्लस टू इज इंटू ई रेज टू पावर थ्री एक्स। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, वन बाई टू ई रेज टू पावर थ्री एक्स। तो जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, सी वन ई रेज टू पावर टू एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, वन बाई टू ई रेज टू पावर थ्री एक्स। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हमें गिवन है और इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन को आप देखो तो सेकंड ऑर्डर की हमें दिख रही है और जो कोफिशियंट है वो कैसे है, कॉन्स्टेंट कोफिशियंट है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव की पावर है वो कितनी है, वन, और जो आर ऑफ एक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो जो इक्वेशन है हमारी वो इस फॉर्म की है और इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। उसके लिए r ऑफ x को हम जीरो के इक्वल रखते हैं और इससे हम क्या लिखते हैं, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखें तो क्या लिखेंगे, जितनी बार डेरिवेटिव उतनी m की पावर, कोफिशियंट एज इट इज इंटू में m प्लस 9, और यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं तो m की पावर जीरो क्या होगी, वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से m की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, तो m की क्या वैल्यूज आती हैं, थ्री एंड थ्री। तो जो रूट्स हमारे आ रहे हैं वो रियल है एंड इक्वल है। तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने का केस सेकेंड हमने देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू इंटू एक्स ई रेज टू पावर एम एक्स, और m कितना है 3, तो e raised to power 3x। और पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन हमारी है उसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, d square minus 6d plus 9 into y is equal to जो भी हमारा r of x है वो। तो ये जो फॉर्म आती है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब आर ऑफ एक्स को हम देखते हैं कि आर ऑफ एक्स जो हमें गिवन है वो किस फॉर्म का गिवन है। तो आर ऑफ एक्स को अगर आप देखो तो ई रेज टू पावर थ्री एक्स, ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स, और यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू ई रेज टू पावर जीरो एक्स। तो इस फॉर्म का हमें आर ऑफ एक्स गिवन है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लिखें वन अपॉन एफ ऑफ डी, और एफ ऑफ डी क्या है, डी स्क्वेयर माइनस सिक्स डी प्लस 9 इंटू में आर ऑफ एक्स, और आर ऑफ एक्स क्या है, सिक्स इंटू ई रेज टू पावर थ्री एक्स प्लस 7 इंटू ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू ई रेज टू पावर जीरो एक्स। इस फॉर्म का हमें आर ऑफ एक्स। डिफरेंशियल ऑपरेटर जो हमारा है वो हम अलग अलग टर्म्स पे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म पे अगर हम अप्लाई करें तो उस केस में क्या होगा, ए की जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 हम रखेंगे डी की जगह पे, 3 स्क्वायर कितना हुआ 9 माइनस 6 इंटू 3 18 प्लस 9। तो जो एफ ऑफ ए है हमारा वो किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। तो उस केस में हम कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे x इंटू में 1 अपॉन एफ डैश डी लिखेंगे हम d, तो क्या आ जाएगा 2d माइनस 6, और अब d की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 2 इंटू 3 रखते हैं तो 6 माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एफ डेस ए है वो भी हमारा जीरो के इक्वल आ रहा है। तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर करते हैं, एक बार फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव अगर हम करें इसका तो 1/2 आएगा और 6 इंटू ई रेज टू पावर 3x। तो डी यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, डी की जगह पे हम क्या रखते, 3 रखते। तो 2 से ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स। तो फर्स्ट टर्म के लिए जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 3x। अब सेकेंड टर्म के लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म के लिए ये हो गया, सेकेंड टर्म के लिए अगर हम देखें तो 7 बाहर आएगा और डी की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस 2। तो डी की जगह पे हम माइनस 2 रखते हैं तो डी स्क्वायर 4 माइनस 6 इंटू में माइनस 2 क्या होगा, प्लस 12 प्लस 9, और e रेज टू पावर कितना है, माइनस 2x। तो यहां से क्या वैल्यू हमें मिलेगी, 7 अपॉन 25 e रेज टू पावर माइनस 2x। अब थर्ड टर्म के लिए अगर हम देखें तो
थर्ड टर्म के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे लिखेंगे? माइनस लोग 2 बाहर आएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और ई रेज टू पावर कितना है? 0 x, तो हम यहाँ पे डी की जगह पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो 1/9 हमें मिलेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल टोटल हमारा क्या आ गया? फर्स्ट टर्म के लिए तो आया 3 x² ई रेज टू पावर 3 x प्लस 7/25 ई रेज टू पावर माइनस 2 x माइनस 1/9 इंटू लोग 2। तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? c1 + c2 x ई रेज टू पावर 3 x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस 3 x² ई रेज टू पावर 3 x प्लस 7/25 ई रेज टू पावर माइनस 2 x माइनस 1/9 लोग 2। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का सेकेंड रूल क्या है? फर्स्ट रूल में हमने क्या देखा कि जो आर ऑफ एक्स था वो अगर हमारा ई रेज टू पावर ए एक्स फॉर्म का हो तो हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। अब जो आर ऑफ एक्स है वो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हो एक्स का तो हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे। तो आर ऑफ एक्स है वो अगर हमें इस फॉर्म में गिवन हो ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन। अगर इस फॉर्म में हमें आर ऑफ एक्स गिवन हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लिखते हैं कैसे? 1/f(d) फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर इनटू में आर ऑफ एक्स। और जो फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको हम कैसे लिखेंगे? रेज टू पावर माइनस 1 इनटू में आर ऑफ एक्स। और जो ये फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने लिखा है इसमें से जो लोवेस्ट पावर होगी डी की उसको हम कॉमन लेंगे और हम फॉर्मूला बनाएंगे 1 ± जो भी यहाँ पे डी आएगा रेज टू पावर कितना माइनस 1। और बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके हम क्या लिखेंगे? इसको हम एक्सपेंड कर देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके, और जहां पे भी डी होगा वहां पे हम क्या लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। डी स्क्वायर होगा तो डबल डेरिवेटिव लेंगे, डी क्यूब होगा तो 3 बार डेरिवेटिव एंड सो ऑन, ऐसे ही हम सोल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इस फॉर्मूले पे बेस कि अगर हमें इस फॉर्म में आर ऑफ एक्स गिवन हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक इक्वेशन हमें गिवन है और इसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो जो इक्वेशन है हमारी वो इस फॉर्म की है, तो इसके लिए जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो m² - 5m + 4 = 0 और m की वैल्यूज क्या आ जाएंगी यहाँ से? m1 = 4 एंड m2 = 1। तो जो रूट्स हमें मिल रहे हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो केस फर्स्ट का यूज करके जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा होगा वो क्या आ जाएगा? c1 × e raised to power 4x + c2 × e raised to power x ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका क्या होगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखेंगे, और वो क्या होगा? d² - 5d + 4 इंटू आर ऑफ एक्स क्या है? x² + 4x + 1। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, और इस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? जो लोवेस्ट पावर होगी डी की वो हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे जो लोवेस्ट पावर है डी की वो कितनी है? 0। तो 1/4 हम कॉमन लेते हैं, तो बचता क्या है? 1 d² - 5d/4 ये टर्म हमारी बचती है। और अगर इसको हम ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा? रेज टू पावर माइनस 1 इंटू x² + 4x + 1। तो अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 + x raised to power -1 है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा इसका? 1/4 1 - d² - 5d/4 + d² - 5d/4² एंड सो ऑन इंटू क्या है? x² + 4x + 1। ठीक है, तो
अगर फर्दर हम डेरिवेटिव लेते हैं और इस इक्वेशन पे हम अगर इस टर्म पे हम अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव, तो दो बार से ज्यादा डेरिवेटिव इसका नहीं होगा, क्या आएगा? फिर जीरो आएगा। तो जो अदर टर्म्स है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो फर्स्ट टर्म के कोरस्पोंड वैल्यू क्या आएगी? इस टर्म के कोरस्पोंड 1/4 x² + 4x + 1। अब सेकेंड टर्म में भी अगर फर्स्ट वाली हम देखें तो क्या आ रही है? -1/4 × 4 क्या हो गया? 16। और d² है तो इसका क्या करेंगे? दो बार डेरिवेटिव। तो दो बार डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या आएगा? 2x + 4। और सेकेंड डेरिवेटिव में क्या आएगा? सिर्फ 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। और 2 16 से कैंसिल हुआ 8 टाइम्स। और अब ये वाली टर्म अगर हम देखें तो माइनस माइनस क्या हो रहा है? प्लस। +5/16, 4 × 4 16। और डी है तो हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है? 2x + 4। अब इस टर्म को अगर आप देखो तो d² का स्क्वायर होगा यहाँ पे, और d की पावर 4 होगी, तो मतलब चार बार डेरिवेटिव को वो क्या देगा? जीरो। और इस टर्म का डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो 5d² क्या होगा? 25d² डिवाइडेड बाई 16, तो ये है इंटू में क्या है? 4। अब d² मतलब दो बार डेरिवेटिव इस टर्म का, वो हमें क्या वैल्यू दे रहा है? 2। और एक और टर्म इससे हमारी आएगी, वो क्या आएगी? 2 × ab, तो उससे क्या होगा? d³। तो तीन बार अगर इसका डेरिवेटिव हम करते हैं तो वो क्या वैल्यू दे रहा है? 0। तो वैल्यू हमारी यहां से क्या आ रही है? x² / 4 + 4 से 4 कैंसिल हुआ तो x +1/4 - 1/8 प्लस यहां से क्या आएगा? 5/8 × x +5/4 + यहां से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 25/32। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है x² / 4 + x, और एक एक्स यहाँ पे है तो क्या आ जाएगा? अगर ऐड हम करते हैं तो 8 + 5 = 13 डिवाइडेड बाई 8 × x प्लस इसको अगर हम ऐड करें तो 32 हमारा एलसीएम आएगा, और यहाँ पे क्या होगा? 8 + यहाँ पे क्या होगा? -4 + 5 × 8 = 40 + 25। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है? x² / 4 + 13/8 × x + 69/32। तो जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1e^4x + c2e^x + पर्टिकुलर इंटीग्रल x² / 4 + 13/8 × x 69/32। तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के दो रूल और हमारे बसते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। ये एक क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।